बिना देरा श्री फ्रॉम बदाली खेड़ा। आज हम पढ़ते हैं एक छोटी सी पोयम, डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई छोटी सी एक पोइम है, लेकिन इसमें बहुत गहरा भाव छिपा है कि द वे, जिस तरीके से ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने शुक डाउन हिलाया, शेक शुक सेकंड फॉर्म है शुक, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ बर्फ के इतने छोटे कण है कि उनको बर्फ की धूल कह सकते हैं, कि बर्फ के कण गिरा है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक जहरीला जो पेड़ पौधा होता है जिसके सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, आग धतूरे टाइप का, गाजर घास जैसा, विदेशी फूल है, विदेशी पौधे हैं हेमलॉक। तो एक जहरीला जो पेड़ है हेमलॉक, उसके ऊपर एक कौवा बैठा और उसने उस डाली को हिलाया, और उसके हिलाने से जो कवि है जैसे उस पेड़ के नीचे बैठा है, उसके ऊपर अचानक से बर्फ की धूल गिरती है, और उसके गिरने से क्या हुआ कि हैज़ गिवन माई हार्ट, किसी को अपना दिल देना मतलब अच्छा लगना, इतना अच्छा लगा कि ए चेंज ऑफ मूड, कि कवि का मूड ही बदल जाता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसका जो दिन जो कि एक तरह से उसने रूड कर दिया था, ख़राब कर दिया था, उसको वो सुधार लेता है, यानी बाकी का दिन वो अच्छे से निकालता है जब उसका मूड चेंज हो जाता है। छोटी सी घटना कि भाई कौवे के द्वारा जो है, यहाँ पर दो चीज़ें, कौवा और हेमलॉक जहरीला पेड़, दो चीज़ उपमा दी गई है। इस पोइम में क्या कहना चाह रहा है कवि, दिस पोइम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। ये कविता जो है एक मोमेंट, एक क्षण की घटना का वर्णन कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है, सिम हो रहा है कि सिंपल है, साधारण घटना है, ऐसी कोई बड़ी बात, लेकिन उसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस, वो लार्जर है, ज़्यादा बड़ा है। कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसी पल के बारे में जो कहा गया उसकी कंपेयर करते हैं एक दूसरी लाइन से जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, कोट की है, ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस ए लिटिल थिंग टचेज ए लार्जर थिंग, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए कि एक लार्जर सिग्निफिकेंस, एक बहुत अधिक महत्व किसका होता है, ए लिटिल थिंग, एक छोटी सी चीज़ भी जो क्या करती है, लार्जर थिंग, एक बड़ा काम, मतलब एक छोटा सा घटना या छोटी सी सहयोग, हेल्प, मदद, कुछ भी काम, छोटी सी एक चीज़ भी एक बहुत बड़ी चीज़ को प्राप्त कर सकती है, यानी बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें जीवन में जो हमारे जीवन को अच्छा कर देती है। वॉट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण, बर्फ की धूल क्या है। वॉट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, और मूड बदल जाना, मूड यानी भाव की मनोदशा व्यक्ति के, उसको बदल गया है, तो कवि क्या कहना चाह रहा है, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, और यहाँ पर कवि का मूड कैसे बदला। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर, जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कह रहे हैं कि हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर, प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन दिस पोइम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब जो प्रश्न हैं, मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, कि आप एक सही आंसर ढूंढ सको। वॉट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स, ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनका आमतौर पर कविताओं में, पोएम्स के अंदर यूजुअली नेम आता है, मतलब प्रयोग होता है। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, क्या कभी आप सोचते हो कि कविताओं में कौवे का भी अक्सर प्रयोग होता है। वॉट इमेजेज कम टू योर माइंड,
आपके दिमाग में क्या क्या इमेजें यानी कल्पना चित्र आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो। अगला क्वेश्चन है जैसे अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटिफुल ट्री, और कवि एक ज़्यादा सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है, सच एज जैसे कि मैपल। मैपल वो सारे प्रकार के पेड़ हो जाते हैं जिनकी पत्तियाँ सुंदर होती है, अशोक टाइप का, और एन ओक या बलूत का पेड़ जो बड़े बड़े भारी भारी बरगद जैसे, और ए पाइन या कोई चीड़ का ताड़ जैसा सुंदर सुंदर पत्तियों वाला नारियल टाइप की। तो कवि यहाँ पर जो मैपल ओक और पाइन जैसे सुंदर सुंदर पेड़ों के बजाय हेमलॉक जो कि एक विषैला पेड़ है उसका वर्णन क्यों करता है। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, यानी कि कौवा और जो हेमलॉक है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जॉय और सोरो, खुशी या दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की जो कण हैं जो कि कौवा गिरा देता है शेक करके हिला करके हेमलॉक पेड़ से, वो किसका स्टैंड फॉर करते हैं, मतलब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी बर्फ का गिरना ये किसका प्रतीक है। तीसरा, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल डिप्रेस्ड, हैव देयर बीन टाइम्स, ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि यू फेल डिप्रेस्ड, तुमने डिप्रेस यानी अवसाद दुखी महसूस किया हो और होपलेस या निराशापूर्ण। हैव यू एक्सपीरियंस्ड, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया अनुभव किया है ए सिमिलर इसी प्रकार का मोमेंट, क्षण पल समय, दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, कि उस दिन आपका मूड ही बदल गया हो। डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन एंड आंसर, अब इसके मेन प्रश्न है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर छोटे छोटे जो कण हैं पार्टिकल है बर्फ के उनको रेफर करते हैं, उनके लिए आया है डस्ट ऑफ स्नो। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, और जो कण हैं पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं दैट पॉइंट की कवि उनको रेफर करता है टू देम एज डस्ट, जैसे धूल के समान। द पॉइंट वॉज इन एन ऑफुल मूड, और जो कवि है वो एक बहुत ही बुरे ऑफुल खराब मूड में भाव में मुद्रा में था। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जब पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो कण हैड फॉलन ऑन हिम उसके ऊपर गिरे थे, दिस चेंज, और बर्फ के कणों के गिरने से कवि का मूड जो था माइंड सेट था वो चेंज हो गया इंस्टेंटली तुरंत, एंड हिज डे गॉट अ लॉट बेटर, और उसका जो दिन था बहुत ही ज़्यादा पहले से बेहतर हो गया बेटर हो गया। हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है प्रकृति को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे प्रस्तुत करते हैं प्रेजेंट करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, अब जो प्रश्न है वो आपको वापस हेल्प करेंगे ताकि आप आंसर दे सकें। वॉट आर दी बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स, डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम, वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड वेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। बर्ड्स लाइक स्पैरो, पक्षी जैसे कि स्पैरो यानी बया गोरैया, नाइटिंगल बुलबुल एंड पिकॉक्स आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स, यानी कि कविताओं में इन पक्षियों का नाम ज़्यादा लिया जाता है, अनलाइक दीज बर्ड, जबकि ये पक्षी जिनको काम में नाम कभी नहीं लिया जाता है, और वो है क्रोज, कौवे, आर ऑफन सीन, ऐसा देखा जाता है एज द इंडिकेटर ऑफ डूम, ये एक संकेत के तौर पर इनको लेते हैं जो कि डूम यानी खराब अर्थी निराशाजनक बर्बादी
और फियर यानी भय। तो ऐसे माहौल को जब प्रतीक बताना हो, इंडिकेट करना हो, संकेत देना हो, तब जाकर के कौओं का नाम आता है। दे आर ऑफन यूज, और इनका जो कौओं का जो अक्सर जो है यूज करते हैं, काम में लेते हैं, नेगेटिव रेफरेंस, नकारात्मक संदर्भ में। अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का पेड़ क्या है? व्हाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन? ट्रीज आर ऑल्सो सीन एज माइटी क्रीचर्स इम्पार्टिंग विजडम एज दे आर टू ओल्ड। उस प्रश्न का आंसर ये कि अच्छे अच्छे पेड़ों के बारे में, कि पेड़ जो होते हैं उनको हम बहुत ही शक्तिशाली जीव मानते हैं, जो कि हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर टू ओल्ड, वो बहुत ही पुराने होते हैं पेड़, तो वे हमसे बहुत पुराने होने से उनको बुद्धि का प्रतीक भी मान सकते हैं। और दे गिव आउट ऑक्सीजन, जो पेड़ है वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विच इज कनेक्टेड विद एब्जॉर्बिंग ऑल दी नेगेटिव एनर्जी। और ये एक तरह से सारी नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है इसको, कि सारी नकारात्मक चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बट देर आर ट्रीज, लेकिन कुछ पेड़ होते हैं, देट आर पॉइजनस टू, जो जहरीले भी होते हैं, लाइक ए हेमलॉक ट्री, जैसे कि एक हेमलॉक का पेड़। द पोएट डज नॉट मेंशन ए मोर ब्यूटिफुल ट्री, यहाँ पर कवि एक ज़्यादा सुंदर पेड़ का मेंशन नहीं करता है, वर्णन नहीं करता है, सच एज मैपल ओक और पाइन, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू इंडिकेट, क्योंकि वो इंडिकेट करना चाह रहा है, संकेत करना चाह रहा है, ए सैड सीन, एक उदास दृश्य, उदास मनोभाव। बींग पॉइजनस, और जहरीला होने के कारण, ए हेमलॉक ट्री इज कंसिडर्ड, हेमलॉक पेड़ को कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है, बैड, खराब। एंड सो, और इसी प्रकार से, ही रेफर्स टू इट, वो इसको रेफर करता है उसके बारे में। वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? कि कौवा और हेमलॉक का जो पेड़ है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी या दुख? वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए आया है, जो कि कौवे ने गिराई थी हेमलॉक पेड़ से? बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, दोनों ही कौवा और हेमलॉक का पेड़ जो है दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रॉस्ट हैज यूज्ड बोथ, और जो कवि है फ्रॉस्ट, उसने दोनों का उपयोग किया है, नेगेटिव क्रीचर्स, नकारात्मक प्राणी के तौर पर, क्रो एंड द हेमलॉक ट्री एज द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे। जैसा कि सकारात्मकता, पॉजिटिविज्म और स्ट्रेंथ, जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हिज डे, उसके दिन की, फॉर द बेटर, बेहतर रूप में। बाय नॉट यूजिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड नाइटिंगेल, और उसने जो बया और बुलबुल और ट्रीज लाइक मेपल ओक, जो बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे, उनको यूज नहीं करते हुए, द पॉइंट हैज ट्राइड टू ब्रेक डाउन, कवि ने कोशिश की है तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की, ऑल द प्री कंसीव्ड नोशन, जो हमारी पूर्व कल्पित, जो हमारी कल्पनाएं होती है, विचारधारा होती है, कि जैसा कविताओं में प्रयोग होता है, उस प्री कंसिप्ट को, विचार को, नोशन को तोड़ने की, कि कुछ अलग करते हैं। वी हैव अबाउट सर्टेन एजेंट्स ऑफ नेचर, हमारे पास प्रकृति के कुछ निश्चित एजेंट हैं। ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड, और उस कवि ने हमको समझाने की कोशिश की है, दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट, हम क्या देखते हैं कि संसार वैसा नहीं है, एज हाउ इट इज, जैसा ही है, बट एज हाउ वी वॉन्ट टू सी इट, लेकिन कैसा है, जैसा ही हम इसको देखना चाहते हैं।
दस द क्रो सिटिंग, जैसे कि कौआ बैठा हुआ, एंड हेमलॉक ट्री, और एक हेमलॉक का पेड़, टुगेदर मेड हिज डे, दोनों को जो अपन खराब प्रतीक मानते, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया है, हिज डे बेटर, उसके दिन को अच्छा कर दिया। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो खुशी का प्रतीक प्रतिनिधित्व करती है, स्टैंड फॉर उसके लिए आई है। थैंक यू।